अगर ये वीडियो पुलिस के पास पहुंच गया तो तेरे साथ तेरा बाप भी अंदर जाएगा। रोहित, रोहित, ये क्या पागलपन है? रोहित, मैंने कहा गन नीचे करो। रोहित, गन नीचे करो अपने कमरे में। हेलो। हाँ, क्या कर रहे हो जॉन? तैयार हो ना? बताया था ना कंपनी के काम से 2-3 दिन के लिए नासिक जाना है। ओ, ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा सुनो ना। हाँ बोलो। मेरी एक फ्रेंड है, वो दिल्ली से आ रही है, बहुत खास दोस्त है, तो क्या तुम अपने घर में कुछ इंतजाम कर सकते हो? तुम्हारी बात कभी डाल सकता हूँ जान? हो जाएगा, मैं रोहित को बोल दूंगा। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे निकलने के लिए देर हो रही है। ओके बेबी, बाय, लव यू। लव यू टू। रोहित बेटा। आया डैड। यस डैड। देखो मैं कंपनी के काम से 2-3 दिन के लिए नासिक जा रहा हूँ। जी। मेरे पीछे से मेरे फ्रेंड की एक फ्रेंड यहाँ रहने आ रही है, शायद 1-2 दिन रहे, उसे शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। ठीक है? जी डैड। चलो टेक केयर, बाय बाय। हाय। हाय। मैं रिया, दिल्ली से आई हूँ। ओह, डैड ने बताया था आपके बारे में। आइए, अंदर आइए। थैंक यू।
आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तुम्हें पॉर्न देखना पसंद है? जी वो कभी कभी। अरे डोंट वरी, तुम्हारे डैडी को नहीं बताऊंगी। और कभी कभी मुझे भी देखना पसंद है। अच्छा ठीक है, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे फ्रेश होना है। ठीक है आइए, मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ। यहाँ ये रहा। ये रहा आपका कमरा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे आवाज दीजिए, मैं आ जाऊंगा। यू आर सो स्वीट।
सुनो ना, मेरी जिप बंद कर दो ना। क्या हुआ? कभी किसी लड़की को टच नहीं किया है क्या? नहीं, वो ऐसा है कि कभी मौका ही नहीं मिला। तो आज मौका मिला है, कर लो अपने सारे अरमानों को पूरा, फिर पता नहीं कभी मौका मिले ना मिले। अच्छा सुनो ना, आज शाम को पार्टी करें। पार्टी? हाँ पार्टी, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर वो पार्टी में। अरे पार्टी में क्या, पार्टी में डांस, ड्रिंक, खाना, यही तो होता है, इसमें सोचना क्या है? एक्चुअली मैं पार्टी करता नहीं हूँ। तो आज कर लो। ठीक है, अगर तुम बोल रही है तो ठीक है, फिर आज शाम में पार्टी करते हैं। वैसा प्यार करो ना मुझे। मगर उसमें तो वो अपने साथ जबरदस्ती करने को बोल रही थी। वाओ, इस तरह से रोमांस, बहुत मजा आएगा। प्लीज वैसे ही करो ना। देखो रोहित, मेरे पास नहीं आना,
मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगी। रोहित, मैं जानती हूं तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है मैं जा रही हूं, पर जरूरी नहीं होता तो मैं जाती ही नहीं। लेकिन मेरा वादा है तुमसे, मैं जल्द लौटूंगी। अपना ख्याल रखना। गुड आफ्टरनून रोहित, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ बैठे हो। गुड आफ्टरनून डैड। क्या बात है रोहित, बड़े उदास लग रहे हो। कुछ नहीं डैड, वो थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो बेटा जाकर आराम करो। और एक और बात, मैं किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहा हूँ। ये क्या डैड, आज ही आए और आज ही जा रहे हैं? कभी तो मेरे साथ समय गुजार लिया कीजिए। तुम्हारी हमेशा से मुझसे यही शिकायत रही है, लेकिन देखना आज के बाद तुम्हें ये शिकायत कभी नहीं होगी। ऐसा क्या करिश्मा होने वाला है डैड जो मेरी शिकायत खत्म हो जाएगी? सरप्राइज, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए जो शाम को तुम्हारे सामने होगा। ठीक है, I am waiting। जाओ आराम करो। वाओ डैड, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप शादी करके आए हो। तुमने बिल्कुल सही कहा रोहित, तेरी हमेशा की जो शिकायत थी ना, उसे दूर करने के लिए मैंने दूसरी शादी कर ली। सच में डैड, मॉम कहाँ है? यही है, और मेरा वादा है तू अपनी नई मॉम को देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। लक्ष्मी, था ना अपनी नई मां को देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। एनीवे, अपनी नई मां को घर लाने से पहले कोई कंडीशन हो तो बता दे, बाद में मत बोलना। तू मां को अंदर लेके जा। हेलो, कहा था ना बहुत जल्द वापस आऊंगी। लो आ गई मैं। क्यों, क्यों किया तुमने ऐसा? ताकि तुम्हें रास्ते से हटा सकूं और राजन की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकूं। मतलब ये मेरी जान, तेरे बाप से भला कोई दूसरी लड़की शादी क्यों करेगी? और करेगी भी तो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए करेगी, और मैंने भी वही किया। मगर मेरे रास्ते का रोड़ा तुम थे, जो हटाना बहुत जरूरी था, और इसलिए मैंने ऐसा गेम खेला कि मेरा काम भी हो जाए और किसी को भनक भी ना लगे। समझे मेरी जान? नहीं समझा? रुको, समझाती हूँ तुम्हें। जब मुझे पता चला तेरा बाप 2-3 दिन के लिए नासिक जा रहा है, तो भला ये मौका कैसे मैं हाथ से जाने देती? उठा लिया मैंने मौके का फायदा। इसीलिए तेरे डैडी को मैंने फोन कर दिया और वो आसानी से मान भी गए।
और मानते भी कैसे नहीं, इतनी खूबसूरत लड़की उनसे शादी जो कर रही थी। चलो फिलहाल इतना कहूंगी, आज मेरी सुहाग रात है तुम्हारे डैडी के साथ, तो डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना, समझे स्वीट बेबी? वरना वो जो वीडियो है ना, वो पुलिस को दे दूंगी। देखो रोहित, मेरे पास नहीं आना, मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगी, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। प्लीज मुझे छोड़ दो रोहित, रोहित ऐसा मत करो प्लीज। क्या हुआ, वीडियो देख के होश उड़ गए? देखा, ये वीडियो सीधा पुलिस के पास जाएगा, और अगर ये पुलिस के पास ये वीडियो पहुंच गया तो तेरे साथ तेरा बाप भी अंदर जाएगा, समझे मेरे लल्लू? इतना टाइम नहीं है मेरे पास बच्चू, सुहाग रात की तैयारी भी करनी है। आज मेरी सुहाग रात है राजन के साथ, यानी कि तेरे बाप के साथ, तो डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना वरना। और हाँ, एक ग्लास दूध बादाम पिस्ते के साथ मलाई मार के, ठीक है? जल्दी, और सारी जिंदगी नौकर बनने को तैयार हो जा, समझा? अब तो आप समझ गए होंगे ना डैड कि मैंने इसे क्यों मारा। अपने परिवार की खुशियां बचाने के लिए तूने ये सब किया बेटा, गलती तेरी नहीं, गलती मेरी है, जो तुझे बिना बताए बिना मिलवाए शादी जैसा बड़ा कदम उठाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, माफ कर देना। मुझे माफ कर देना।